जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। अभी हाथरस की बेटी को न्याय मिला नहीं कि गोंडा में तीन बहनों के ऊपर एसिड का अटैक होना, आज ही लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बहन को आत्मदाह करने का प्रयास करना, और ललितपुर में एक दलित परिवार के बाप बेटे की पिटाई करना, उसे पिशाब पिलाना, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, बैठकें करती है, गृह मंत्रालय बैठक कर रहा है, डीजीपी के निर्देश जारी हो रहे हैं, मुख्यमंत्री रोज टीम 11 की बैठक कर रहे हैं, आखिर इन बैठकों का नतीजा क्या है? सरकार संवेदनहीन बनी पड़ी हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ है? महामहिम राज्यपाल कहाँ है? उत्तर प्रदेश जानना चाहता है, क्या यह मान लिया जाए कि इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी? कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता पूरी तरह त्रस्त है, अपराधी अधिकारी और सरकार मस्त है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।